खेल मंत्री अशोक चांदना ने विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर महंगाई हटाओ रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह महंगाई हटाओ रैली ऐतिहासिक होगी। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इस रैली के जरिए केंद्र सरकार को एक संदेश दिया जाएगा कि महंगाई के खिलाफ पूरे देश की जनता एकजुट है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम बीजेपी के खिलाफ आए, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कम की गई। इस रैली के बाद केंद्र सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा और महंगाई कम करनी पड़ेगी। जैसा कि राजस्थान से खबरें आ रही हैं, 2 लाख से ऊपर लोग इस रैली में शामिल होंगे। 1 से 1.5 लाख तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 20-50 हज़ार जो आते और जाते हैं, आपको पता है कि जब कोई रैली होती है, हर आधे एक घंटे में 5-10 हज़ार लोग नए आ जाते हैं और पुराने में से 5-10 हज़ार लोग चले जाते हैं। तो ये पूरे दिन का ये कार्यक्रम रहता है। तैयारियाँ शानदार चल रही है, टेंट्स लग गए हैं, व्यवस्थाएँ हो रही हैं। और महंगाई जो मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे के नाम पर घर घर से व्यक्ति निकलने को तैयार है। साधन कम पड़ रहे हैं, इतने लोग आना चाहते हैं। व्यक्ति चाहे गरीब तबके का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे अपर मध्यम वर्गीय परिवार हो, महंगाई से परेशान सब है। महंगाई की वजह से बजट सबका गड़बड़ा गया, कोरोना काल की वजह से सैलरी और इनकम सबकी कम हो गई,